मंगलवार को आए हरियाणा विधानसभा चुनावी परिणाम में बीजेपी ने लगातार राज्य में तीसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाया है। खास बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी की यह सबसे बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने 48 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस मात्र 37 सीटों पर सिमट कर रह गई है। वहीं इस चुनाव में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार को लेकर के कई आकलन हो रहे हैं, लेकिन एक नज़र उन सीटों पर भी हम आज डालते हैं जहां पर बीजेपी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारे थे। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 2 मुस्लिमों को टिकट दिया था और इन सीटों में से एक था पुनहाना और दूसरा था फिरोजपुर झिरका। पहले हम बात करेंगे पुनहाना से। पुनहाना से आपको बताएं कि बीजेपी ने यहां पर मोहम्मद एजाज खान को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से मोहम्मद इलियास को टिकट दिया था। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 85,300 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को केवल 5,072 वोट ही मिले हैं। वह निर्दलीय उम्मीदवार रहीश खान से भी पीछे रहे। रहीश खान को 53,000 वोट मिले, जो पुनहाना सीट पर दूसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस ने ये सीट 31,916 वोटों से जीत ली है। वहीं दूसरी सीट है फिरोजपुर झिरका सीट, जो कि काफी चर्चे में थी। इस सीट पर कांग्रेस ने मामन खान को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि बीजेपी ने यहां से नसीम अहमद को टिकट दिया था। इस सीट पर मामन खान को 1,30,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को केवल 32,000 ही वोट मिले, यानी कि इस सीट पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। 98,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस ने ये सीट अपने नाम की है। वहीं इस सीट पर राज्य की सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की बताई जा रही है। आपको बता दें कि राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। मंगलवार को आए नतीजे में 48 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि 37 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD को महज 3 सीटें ही मिली, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इस बार जीत हासिल की है। राज्य में बहुमत का आंकड़ा आपको बता दें कि 46 था, जहां पर बीजेपी ने अपने दम पर यह बहुमत हासिल किया है। वहीं बीजेपी के 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।